my DNA. Kenny! I got loyalty, got loyalty inside my DNA. I got memories, got war and peace inside my DNA. I got memories and pain and joy inside my DNA. Shinra Tensei. I was told that this is why I was the natural conception. I just thought I was the fool like this without you. Only weapon I know. एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाते सारे एएसटी के लोग फैंसियस के अंदर एंट्री करते हैं, जहां पर वो लोग कहने लगते हैं कि यहां पर बहुत सारे लोग घायल हैं, जिसको देखते हुए हिना को कहने लगते हैं कि यहां पर फैंसियस के अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज है। और उसके साथ ही वो कहने लगे तुम सभी लोग इनको डॉक्टर के भरोसे से छोड़ सकते हो। और तभी हमारी कोतरी कहती है मैं हूँ फैंसियस के कमांडर। और उसके साथ ही हमारी कुसा कैबे कहती है मैं इस ग्रुप की कैप्टन हूँ। और उस टाइम पर हमारी कोतरी कानोजाकी को आज वाइस कमांडर के रूप में उनको प्रेजेंट करती है, जिसको सुनते हुए हमारी जो कुसा कैबे होती है वो बहुत ही शौक में चली आती है और कहती है कानोजाकी कैप्टन आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसको सुनते हुए हमारी कानोजाकी कहने लगता है कि असल में कुसा कैबे बहुत दिनों बाद तुमसे नहीं मिला हूँ। और तभी कुसा कैबे कहने लगती है कि असल में ये एएसटी की कमांडर है। और उसके साथ ही इस बात को सुन के फैंसियस के सारे लोग बहुत ही शौक में रहते हैं। और उस टाइम पर हमारी कुसा कैबे कहने लगती ये जो बंदा है बहुत ही बड़ा ठरकी बंदा है। जिसको सुनते हुए कानोजाकी कहने लगता है कि तुम ये सब बातें यहाँ पर मत किया करो। लेकिन हमारी कोतरी कहती है चुप रहो। और उसके साथ उसको एक बहुत जोर से लात मारती है, जिसको देखते हुए एस्ट के सारे लोग बहुत ही शौक में चले आते हैं। और तभी मारिया कहने लगती है डीएम के सारे एयरशिप नीचे गिर रहे हैं, तो यही मौका है कि उनके ऊपर हमला कर उनके जीत को हासिल करने का। और उसके साथ ही फैंक्सियस अपने फुल रफ्तार से सारे लोगों के ऊपर हमला करते हुए आगे बढ़ने लगता है। और तभी निया इस चीज़ को देख के बहुत ही शौक रहती है। और तभी गुस्सा का भी कहने लगती है अभी हमें क्या करना चाहिए। जिसके वजह से कोतरी कहती है अभी तुम मेरे अंडर में काम करो और सारे घायल लोगों को अंदर लेके आओ। और तभी कोतरी कहने लगते हैं मुझे पहले डीएम के सारे लोगों को हराना है। और सीन में दिखा है जहाँ पर वो कहने लगती है तुम सबको मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और उसके साथ ही वो मेन कंट्रोल रूम में चली जाती है। और अगले सीन में दिखा है जहाँ पर एक लड़की कहती है कि योशिनो कागुया योजुरो और मिको की लाइफ स्पोन को हम देख नहीं पा रहे। जिसको देखते हुए निया बहुत ही शौक में चली आती है। और तभी हमारे जो कोतरी होती है वो भी बहुत गुस्से में चली आती है। और जिसको देखते हुए अपना फैसला बदलती है और अचानक से अपने शेयरशिप की सारे पावर लगाते हुए उस टेरिटरी के ऊपर हमला करती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है तो का और ओरिगामी बस बचे हुए थे। और जहाँ पर मियो कहने लगती है तो चलो मेरे सामने आओ और मुझे मारो। और उस टाइम पर हमारा फैंक्सियस का अटैक उसके ऊपर आके लगता है, जिसके वजह से ओरिगामी बहुत तेज़ी से आके मियो के ऊपर हमला करती है। लेकिन मियो उस अटैक से सर्वाइव कर जाती है और उसके हमले को बहुत ही आराम से अपने हाथों से रोक लेती है। और उसके साथ ही वो ओरिगामी को वहीं पर ही नॉकडाउन कर देती है या बोल तो मार देती है। और तभी उसके साथ ही वो तोका को भी मार डालती है। और अगले समय वो नोटिस करती है कि जो फैंक्सियस है वो उसके डोमेन के अंदर या टेरिटरी के अंदर आ चुका है। जिसको देखते हुए हमारी कोतरी कहने लगती है यहाँ पर अभी क्या हो रहा है। और अगले सीन में दिखाती है जब कोतरी बाहर को आती है तो वो नोटिस करती है कि फैंक्सियस के अंदर जितने भी सारे लोग थे वो लोग मारे जा चुके हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर जितने भी सारे एयरशिप मतलब कंट्रोलर थे वो अभी जल चुके हैं। और हमें अगले सीन में दिखाया जहाँ पर वो अपने पीछे मियो को नोटिस करती है। और तभी कोतरी कहने लगती है रेने तुम ये सब क्यों कर रहे हो, हम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड थे ना। जिसको देखते हुए मियो कहने लगती है ये सब कुछ सीडो के लिए मैं कर रही हूँ। और उसके साथ ही अचानक से हमारे कोतरी के ऊपर वो हमला करती है और उसके साथ ही उसका स्टोन को वो ले आती है और कहती है एक और स्पिरिट डाउन हो गई। और हमें अगले सीन में दिखा है जहाँ पर वेस्टकोट अपने निबल क्लोन को समन करता है। और उसके साथ ही हमारा सीडो उनके ऊपर अपने फ्लैंक किस के साथ हमला करता है। और तभी हमारे वेस्टकोट उनके आँखों के ऊपर पेपर लगा जाता है, जिसके वजह से हमारा वेस्टकोट कहने लगता है अभी तो तुम उसको हरा ही नहीं पाओगे। और तभी अचानक से सीडो अपने मेटाट्रोन से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन अचानक से सीडो जगह से गायब हो जाता है। जिसको देखते हुए निबल क्लोन कहने लगते हैं क्या वो अपने ही अटैक से डिसअपेयर हो गया। लेकिन तभी अचानक से एक निबल क्लोन हमारे वेस्टकोट के पास आता है और कहने लगती है अभी हमें क्या करना चाहिए। और उसके साथ ही अचानक से वो मिकाइल को सुमन करके वेस्टकोट के ऊपर हमला करता है। जिसको देखते हुए सारे निबल क्लोन कहने लगते हैं कि हम लोग उनके ऊपर क्यों अटैक करेंगे। और उसके साथ ही हमें पता चलता है कि वो निबल क्लोन नहीं था, वो असल में सीडो था। जहाँ पर हमारे वेस्टकोट कहने लगता है कि तुम हानाइल के पावर की मदद से ये सब कर रहे हो।
असल में मैंने ये सब के बारे में बाइबल में पढ़ लिया था और उसके बाद हमें दिखा जहाँ पर सारे निबेल क्लोन सीडो को आकर पकड़ लेते हैं और तभी वह शॉट कहने लगता है अभी मैं एक न्यू दुनिया को क्रिएट कर पाऊंगा और उसके साथ ही कहने लगता है ये उस दुनिया में एलॉट एलन कारन और सभी लोग जो कि मैजिक यूज कर सकते हैं वहाँ पर रह सकते हैं और वो कहने लगता है अभी बहुत हुआ और उसके साथ ही वो अपने बाइबल को यूज करते हुए सीडो के ऊपर बस हमला करने ही वाला था लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर नाश्ते में चली आती है और वो सीडो को बचा लेती है और तभी मिकू और नास्तु में वो सीडो के पास चली आती है और उसके साथ ही वो अपने पावर को सीडो के साथ मर्ज करने लगती है जिसके वजह से सीडो एक अल्टीमेट पावर मिलता है। और अगले सीन में दिखाया है जहाँ पर सीडो अपने सैंडल फ़ोन को यूज़ करते हुए हालवेन ने फ़ोन में चेंज कर लेता है और उसके साथ ही वो कहने लगता है वेस्टकोट अभी तुम्हारा खेल ख़त्म होने वाला है और उसके साथ ही वो वेस्टकोट के ऊपर एक बहुत बड़ा सा हमला करता है लेकिन वेस्टकोट के सामने उसके निबेल क्लोना के उसको बचा लेती है और तभी वेस्टकोट कहता है कि तुम्हारा हमला तो बर्बाद गया लेकिन सीडो कहता है अभी नहीं। और उसके बाद वो अपने कुछ पावर को यूज़ करते हुए अपने हाथ में दो मतलब एनर्जी बॉल बनाता है और उसी के साथ ही वो उन दोनों एनर्जी बॉल को मॉर्स करके रोर फ्लैश ब्लास्ट वेब को यूज़ करता है जिसकी वजह से वो अटैक बिल्कुल कामे हमें आज ऐसे अटैक ऐसे लग रहा था और उसके बाद वो अटैक सीधे जाके हमारे वेस्टकोट को लगता है और उस टाइम पर वेस्टकोट कहने लगता है तुम जीत गए तुम मुझे भी मार सकते हो। इस बात को सुन के सीडो अपने हाथ में मिकाइल को सुमन करता है और उसके ऊपर एक वार करता है। असल में वो बाइबल के ऊपर वार किया था और उसको लॉक कर देता है और उसके साथ हमें दिखाया था मिकू कहने लगती है कि मैं तो डर ही गए थे मुझे लगा कि तुम उसको मार डालोगे और तभी सीडो कहता है मेरा तो मन ही कर रहा था इसको मार डालने का और तभी वेस्टकोट कहने लगता है कितनी मजाक की बात ना तुमने मुझे जिंदा छोड़ दिया। और तभी अचानक से वेस्टकोट के ऊपर कोई हमला करता है और उसके साथ ही हमारे नास्तु में और मिकू के ऊपर भी कोई हमला करता है और हमें अगले सीन में दिखाया तो वो और कोई नहीं होती वो मियू होती है और वो उसके स्टोन को ले आती है और कहने लगती है मेरे पास सारे स्पिरिट की पावर हो चुकी है और इसके साथ मैं एक ऐसी दुनिया बनाऊंगी जहाँ पर बस सिर्फ तुम और मैं रहेंगे। और उसके साथ ही गाइस आज का हमारा एपिसोड नंबर 7 का स्टोरी यहीं पर ही ख़त्म होता है। आप सब लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हो मैंने सही कहा ना तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब और इस वीडियो को एक बार लाइक कर देना। तो हम लोग मिलते हैं एक न्यू वीडियो में तब तक के लिए आप सभी लोगों को सायोनारा एवरीवन।